हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ES होम डिजाइन के फिर से एक वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 बेडरूम घर का नक्शा। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, छोटी सी वीडियो है, पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने वेस्ट है और पीछे इसका ईस्ट हो जाता है, ठीक है, और इस साइड नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इधर से एंट्री दिया गया है। एंट्री से जैसे ही इस डोर से अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक बरामदा मिल जाता है 16 फीट 7 इंच बाई 8 फीट का, और बरामदा के सामने एक गेस्ट रूम है 12 बाई 13 का। और इस डोर से अंदर आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम दिया गया है जिसका साइज 4.5 फीट बाई 9 फीट का दिया गया है। और इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है 12 फीट 2 इंच बाई 12 फीट 8 इंच का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सामने एक किचन दिया गया है 11 फीट बाई 8 फीट का। यहाँ पे 5 फीट का कॉरिडोर मिल जाता है। इधर से अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक डाइनिंग लॉबी मिल जाता है और यहाँ लिविंग हॉल भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल लग जाएगा, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे LCD वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और सामने यहाँ पे देख लीजिए एक नमाज रूम दिया गया है। ये एक मुस्लिम क्लाइंट के लिए है, इसीलिए उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नमाज रूम दिए हैं 9x7 फीट 7 इंच का। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इधर से यदि बाहर से बात किया जाए तो यहाँ पे इधर से यहाँ पे बरामदा में जाने के लिए यहाँ पे डोर था, और इधर से यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग है जो कि 12 फीट 10 इंच बाई 16 फीट 11 इंच का दिया गया है। इधर से भी एक यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे करके आएंगे और यहाँ पे सामने सीढ़ी है और ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। सीढ़ी का स्टेप का यहाँ पे 4 फीट का लिया गया है, और इधर से यहाँ पे देख लीजिए, इधर से आकर के और ऐसे करके, इधर से ऐसे आकर के और यहाँ पे इस डोर से घर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसका साइज यहाँ पे 12 फीट बाई 16 फीट का है। उसके बाद इसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच किया गया है 7 फीट 5 इंच का, और इधर से यहाँ पे 5 फीट है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, इधर से यूटिलिटी एरिया दिया है, यहाँ पे वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एक टॉयलेट कंबाइन बाथरूम, ये कॉमन हो जाता है ये टॉयलेट, ठीक है। कोई भी आकर के ऐसे करके इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। इसका साइज 9 फीट बाई 5 फीट का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और एक बरामदा इधर मिल जाता है, क्योंकि इधर और भी जगह है, आंगन यहाँ पे बनाया गया है, तो जिसके लिए ये यहाँ पे एक बरामदा है। और बरामदा से भी एक यहाँ पे इधर गेस्ट रूम दिया गया है, इसे आप बेडरूम भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का आर्च टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा, क्योंकि इधर आंगन भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक बेडरूम है जिसका साइज़ है 14 फीट बाई 12 फीट। तो इस तरह से आपने देखा, एक रूम यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे चौथा रूम, यहाँ पे पाँचवा रूम, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि ये जो मकान बनेगा, इसका चौड़ाई है 45 फीट 6 इंच, और लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पे 62 फीट होता है। और इस साइड में थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इधर स्टेप दिया गया है, इधर भी स्टेप कटिंग लिए हैं, तो इधर यहाँ पे 53 फीट 7 इंच लिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा ये कैसा नक्शा लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इसका और भी आपको साइड प्लान दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे सामने इसका रोड था, और इधर सामने यहाँ पे 15 फीट दरवाज़ा के लिए छोड़ा गया है। यहाँ पे ओपन एरिया रहेगा, यहाँ पे गार्डन वगैरह बना सकते हैं। और पीछे यहाँ पे देख लीजिए, जाने के लिए इस साइड से भी जगह छोड़ा गया है, ठीक है। इस साइड से लगभग 5 फीट का यहाँ पे जगह छोड़ा है, और इधर 16 फीट 5 इंच का यहाँ पे आंगन बन जाएगा, ठीक है। ओपन जगह में गाँव में लोग बनाते हैं किचन वगैरह, यदि उसे बनाना होगा तो इधर यहाँ पर वो बना लेंगे, ठीक है। इधर आंगन भी हो गया, और इस साइड से यहाँ पे 1.5 फीट छोड़ा गया है, इधर 3.5 फीट छोड़ा गया है, और यहाँ पे सामने 15 फीट। दोस्तों नक्शा कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। यदि नक्शा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आप भी मेरे से नक्शा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरे से नक्शा बनवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।